तो पोको M2 Pro इंडिया में लॉन्च हो चुका है। आर यू एक्साइटेड? बट आई एम नॉट एक्साइटेड, क्योंकि पूरा एक स्मार्टफोन का कॉपी कर लिया, पूरा स्पेसिफिकेशन फीचर पूरा कॉपी कर लिया गया, प्राइस सब कुछ कॉपी है। सो गाइस, पोको M2 Pro इंडिया में लॉन्च हो चुका है, बट ये स्मार्टफोन फुल्ली एक स्मार्टफोन का कॉपी है। इसका स्पेसिफिकेशन फीचर या प्राइस सब कुछ इसके एक स्मार्टफोन का कॉपी है, फुल्ली कॉपी ये स्मार्टफोन है पोको M2 Pro। तो कौन सा स्मार्टफोन का वो तो आपको वीडियो में पता चले जाएंगे, बट सबसे पहले इसका स्पेसिफिकेशन फीचर मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले डिस्प्ले से स्टार्ट करते तो आपको 6.67 इंच फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, साथ में आपको 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिल जाता है। एंड आपको जो इसका रिजोल्यूशन है 2400x1080p का आपको रिजोल्यूशन देखने को मिलता है। एंड साथ में आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है, फ्रंट और बैक दोनों में आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। एंड डिस्प्ले आपको पंच होल देखने को मिलता है, एकदम टॉप सेंटर में आपको पंच होल मिलता है, जहां पे 16 मेगापिक्सल का कैमरा है फ्रंट में। एंड जब कैमरा का बात कर रहे हैं तो रियर कैमरा का भी बात कर लेते हैं, आपको 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा मिलता है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है, 5 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस मिलता है एंड 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर मिल जाता है। अब मैंने रेयर का बात कर लिया, जब रेयर में कैमरा है तो रेयर का डिजाइन का भी बात कर लेते हैं, आपको बस एक ही सिंगल वेरिएंट में मिलता है, सिंगल कलर वेरिएंट आपको डुअल टोन ब्लैक कलर में मिलता है ये स्मार्टफोन। एंड गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है बैक में। इसके बाद आपको 5000mAh का बैटरी देखने को मिलता है, USB टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है आपको, आपको 3.5mm ऑडियो जैक भी मिलता है, तो उसमें कोई कमी नहीं है, आपको सारे सेंसर मिल जाते हैं। एंड साथ में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, आपको रेयर में फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहा, ना ही आपको इन स्क्रीन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल रहा, आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, जो कि पावर बटन में आपका ये सेंसर रहेगा। एंड साथ में आपको 33W का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफोन में। एंड आपको स्नैपड्रैगन 720G का सपोर्ट मिलता है, जो प्रोसेसर है आपको स्नैपड्रैगन 720G है। तो अब तक तो आपको पता चले ही होगा कि ये कौन से स्मार्टफोन का फुल्ली डिटेल्ड कॉपी है। अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ, ये रेडमी नोट 9 प्रो का फुल्ली डिटेल्ड कॉपी है, एंड इसका वेरिएंट प्राइस वो भी कॉपी है। तो ये सब तो मैं रिवील करूंगा साथ में, उसके पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ रेडमी नोट 9 प्रो और पोको M2 प्रो में क्या डिफरेंस है, बस उसके बारे में बात करता हूँ। तो देखिए, रेडमी नोट 9 प्रो में आपको 5020mAh का बैटरी देखने को मिलता है, एंड पोको M2 प्रो में आपको 5000mAh का बैटरी देखने को मिलता है। एंड बाकी इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस कलर वेरिएंट में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। कलर वेरिएंट में आपको उसमें जो Redmi Note 9 Pro है उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, एंड Poco M2 Pro में आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है। और एक डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, आपको Redmi Note 9 Pro में 18W चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है, बट Poco M2 Pro में आपको 33W चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि सेम एज Redmi Note 9 Pro Max। Redmi Note 9 Pro Max में आपको 33W चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। और एक चीज़, Redmi Note 9 Pro में आपको MIUI लॉन्चर देखने को मिलता है, एंड पोको M2 Pro में आपको पोको का लॉन्चर देखने को मिलता है। बस इतना ही डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है Redmi Note 9 Pro में एंड पोको M2 Pro में। अब प्राइस के बारे में बात करते हैं वेरिएंट के साथ, तो 4GB 64GB वेरिएंट का आपको 14,000 प्राइस है, सेम एज Redmi Note 9 Pro। 6GB 64GB वेरिएंट का आपका प्राइस 15,000 है, सेम एज Redmi Note 9 Pro। एंड 6GB 128GB वेरिएंट का प्राइस है 17,000, सेम एज Redmi Note 9 Pro। तो फुल्ली Redmi Note 9 Pro का कॉपी है, बस कुछ जगह डिफरेंस है। एंड आपको साथ में 512GB एक्सपेंडेबल का ऑप्शन मिल जाता है, आप मेमोरी कार्ड 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये था पूरा स्मार्टफोन का डिटेल। तो ये स्मार्टफोन अब आपको लेना चाहिए कि नहीं, तो मैं कहूँगा हाँ, ज़रूर लेना चाहिए अगर आपको ये पोको का लॉन्चर पसंद है तो। क्योंकि अगर आपको पोको का लॉन्चर पसंद है तो आपको एक जगह बेनिफिट मिल रहा है Redmi Note 9 Pro से, कि आपको 33W चार्जिंग का सपोर्ट मिल रहा है, बाकी सब तो सेम ही है। और उसमें कलर वेरिएंट आपको यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है, एंड यहाँ पे MIUI लॉन्चर इसमें देखने को मिलता है Note 9 Pro में, एंड पोको M2 Pro में आपको पोको लॉन्चर देखने को मिलता है। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, अगर आपको पोको लॉन्चर पसंद नहीं है तभी आप Redmi Note 9 Pro की तरफ जा सकते हैं, वरना पोको M2 Pro बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है। बस एक चीज़ मुझे खराब लगी कि फुल्ली डिटेल्ड कॉपी है ये Redmi Note 9 Pro का। तो अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करके जाइएगा, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।